गाइस हाई एंड गड़िया, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सात्विक मोंगिया। भाई आज जो अपने पास में गाड़ी आप लोग देख रहे हो, ये भाई गाड़ी आज भी बम है और अपने ज़माने की भी बम थी। अकॉर्ड होंडा 2012 मॉडल गाड़ी है, ठीक है। अभी इसके ओनर से भी मिलाऊंगा। भाई कल मैं थोड़ा सा बिजी था, इस गाड़ी के अंदर सारा का सारा काम एक दिन पहले हुआ है, शूट अगले दिन हो रहा है। तो भाई जादू एक आपको मैं पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप लोग देख लो कि कैसा लग रहा है ये देखने में। ऐसा भाई कुछ लाइटिंग सेटअप आपके भाई ने इस गाड़ी के लिए रेडी करवाया, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब तक किसी ने YouTube पे ऐसा लाइटिंग सेटअप अकॉर्ड का डाला होगा। तो भाई ये फर्स्ट इन दिल्ली है मेरे ख्याल से तो, और ऑन YouTube। बाकी अगर कोई है तो भाई वो डाल सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ ओनली वन इन दिल्ली। तो उसके बाद में भाई अभी इस गाड़ी के अंदर हमने एक एंड्रॉयड स्क्रीन लगाई है, इन्फिनिटी के कॉम्पोनेंट्स डाले हैं चारों गेटों में, ठीक है। अब भाई मैं आप लोगों को सारी चीज़ें चेक नहीं करा पाऊँगा, गाड़ी की लाइटें आप लोग देख पा रहे हो कि कैसे ब्लिंक कर रही हैं और क्या है। जो इसके अंदर ये ट्राई कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये आप देखो कैसा लग रहा है। अब ये वार्म वाइट हो गया, अभी एक बार वाइट होगा। तो आप लोगों के सारी चीज़ सामने है। तो भाई ये पूरा का पूरा सेटअप जो करवाया हमारे भैया ने, अभी उनसे भी मिलाता हूँ। गाड़ी के एक बार अंदर चलते हैं और आपको पूरा अंदर से इंटीरियर की लुक चेक कराता हूँ कि स्क्रीन की कैसी लुक आ रही है बेसिकली, उसके बाद में हम बात करेंगे लाइटों की, ठीक है। तो चलो चलो। तो भाई आपका भाई गाड़ी के अंदर आ चुका है और आप लोग देख सकते हो ये भाई ऑटोमेटिक वेरिएंट है इस गाड़ी का। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग इस कार के अंदर सीएनजी लगी हुई है, तो भाई सीएनजी इसलिए लगी हुई है क्योंकि भाई अगर इस गाड़ी को जिस हिसाब से हम लोग चलाते हैं अगर चलाएंगे तो इसकी एवरेज वही निकलेगी मुश्किल से 2 या 2.5 की। तो भाई इतनी एवरेज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, भाई जो कर सकता वो बिना सीएनजी के चला रहा। बाकी सीएनजी के साथ में मेरे को कोई इसके अंदर मैंने गाड़ी चला के भी देखी है, कोई लैग नहीं लगा पेट्रोल के हिसाब से या सीएनजी के हिसाब से। वो तो देखो एक हल्का माड़ा फर्क आता है, बट इतना कोई लैग नहीं लगा कि मैं इसको कहूँ कि भाई ये कम है काफी। अब भाई बात करते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में। तो भाई ये स्क्रीन हाइपरसोनिक की स्क्रीन है, भाई आप लोग देख सकते हो इसका टच। और पहले तो आप लुक देखो कितनी सही लग रही है इसके अंदर, अगर मैं लुक चेक कराऊं तो भाई अब ये जैसे साथ में इसके ये चीज़ अभी आपको दिख नहीं रही होगी नीचे वाली, मैंने ये वाली लाइट्स भी ऑन कर दी हैं तो लाइट्स क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऑन है। भाई आप लुक देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। अभी मैं आपको इसका YouTube का रिस्पांस भी चेक कराऊंगा। इन्फिनिटी के इसके अंदर हमने कॉम्पोनेंट्स लगाए हैं और प्राइमस सीरीज, और अभी भाई निकाल के नहीं दिखा पाऊंगा। अगर आप लोग चेक करेंगे इस तरफ तो ट्विटर की प्लेसमेंट इसके अंदर ही है, और भाई जो नीचे लगे हुए हैं अभी भैया इसके अंदर सबवूफर और एम्प भी प्लान कर रहे हैं, वो टाइम के हिसाब से साथ साथ में जैसे भी होगा वो लगवाएंगे। भाई सबसे मेन चीज़ जो हमने इसके अंदर करी है लाइटिंग सेटअप, आपको पता है आपके भाई की गाड़ी में भी लाइटिंग सेटअप कितना सही लगा हुआ है, और सेम लाइटिंग उसी हिसाब का, भैया को उससे भी कुछ डिफरेंट लेवल चाहिए था और जो बेसिकली अकॉर्ड का ही हो। तो भाई ये लाइटें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये कस्टम लाइटें नहीं है, ये भाई जो इस गाड़ी की बनी बनाई लाइटें आती हैं ये इम्पोर्ट करवाई गई हैं, ये चाइनीज नहीं है, ये ताइवान वाली लाइटें हैं। जिस भाई को भी इस लाइटों की कॉस्टिंग चाहिए भाई मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करे, हाई एंड गाड़ियों के नाम से नीचे आपके पास में मेरा इंस्टाग्राम भी फ्लैश हो रहा होगा, तो आप लोग आओ फॉलो करो। जिसको भी ये लाइट्स की कॉस्टिंग चाहिए, अभी लाइट्स का रिस्पॉन्स भी देखेंगे, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, इस वजह से ही मैंने इस टाइम पे शूट रखा था इस गाड़ी का कि जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो हम एक लाइटों का रिस्पॉन्स भी चेक कर पाएंगे ईजिली। तो भाई अब बात करते हैं इसके टच और बाकी चीज़ों के बारे में। मैं देखो ये वीडियो को अनकट रख रहा हूँ, इस वाले पार्ट में मैं आपको कुछ नहीं करके दिखा रहा, एक आपको मैं इसके अंदर NCS से गाना प्ले करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी का भी पता लग जाएगा। यहाँ पे भाई थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आ सकती है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ तो माइंड मत करना। तो भाई अब रिस्पॉन्स चेक कर लो, और ये देख लो भाई ये सारी की सारी चीजें OEM में वर्किंग है, आवाज तेज भी हो रही है और कम भी हो रही है, और यहाँ से भी करना चाहेंगे तो यहाँ से भी बढ़ेगी। Everyone could break my heart, but I tried my best to not fall apart. And I fought it hard to let go, and the breeze keep me together.
भाई मेरे हाथ में जो चीज है, मेरे बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या है। तो भाई जो यहाँ पे लगा आता था ना, स्क्रीन आती थी, वो स्क्रीन हमने यहाँ शिफ्ट करी है नीचे, आप लोग देख सकते हो। तो भाई ये भी एक काम को करने का तरीका है, हर कोई ये चीज नहीं कर पाता। भाई अकॉर्ड जोन सी गाड़ी है ये, लग्जरी गाड़ी के अंदर आती है, सबको पता है। भले ही मैं ये कहूंगा आज गाड़ी हमारी 8 साल पुरानी हो गई है, लेकिन भाई गाड़ी तो उस टाइम 25 लाख रुपए की ली थी ना, जिसने भी ली थी, चाहे हमने नहीं ली थी लेकिन जिसने भी ली थी 25 लाख की तो गाड़ी ली थी। तो भाई सारी की सारी चीजें हैं, और आप ये चीजें अगर कहीं और से छिड़वाओगे तो आने वाले टाइम में इसके अंदर दिक्कत भी आ सकती है किसी भी चीज को लेकर के। तो भाई ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। ये टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे वाला है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो दोबारा ले। तो भाई ये जो मॉडल है ये टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे वाला है। इसके ऊपर जो मॉडल आता था, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, वो भी अगर आप लोग चाहोगे तो वो भी लग जाएंगे। और इसके अंदर सनरूफ नहीं है। अगर सनरूफ और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होते तो भाई ये गाड़ी टॉप मॉडल वाली होती, बट वो सब नहीं है इसके अंदर। और भाई बाकी आपको लाइटिंग सेटअप की तरफ चलते हैं। अब जैसा आप लोग बाहर देख पा रहे हो कि अंधेरा हो गया, तो आपको अब लाइटिंग सेटअप दिखाता हूँ इस गाड़ी का। ऑडियो सेटअप आप सुन चुके हो कैसा है, अगर आप लोग कहोगे तो इंस्टाग्राम पे मैं इसका पंजाबी गानों का भी डाल दूंगा, आप लोग मेरे को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, नीचे आ रहा है। तो भाई एक बार चलते हैं ड्राइव पे इस गाड़ी की और दिखाता हूँ आपको लाइटिंग सेटअप कैसा है। तो भाई अब एक बार इसके लाइटिंग सेटअप की बात कर लेते हैं आपको। अब मैं लाइट्स ऑन करके दिखा रहा हूँ, अभी ये लाइट्स ऑफ के अंदर आप लोग देख रहे हो बाहर कैसा अंधेरा है, जो स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी है वो है। इसके बाद मैं अभी आपको थोड़ा गाड़ी चलाते हुए भी दिखाऊंगा कि कैसी चीज़ लग रही है। ये भाई इसकी लाइट्स ऑन ऐसे ही होती हैं, तो भाई ऑन होने में जो थोड़ा सा टाइम लेगी वो लेगी 1-2 सेकंड का। और आप लोग देख रहे हो ये अभी लो बीम पे है, ठीक है भाई। तो अब आप लोग देख सकते हो कैसे रोड कवर कर रही है। अब यही अगर मैं इसको हाई बीम पे करता हूँ तो भाई आप लोगों के सामने है। अब मेरे बहुत सारे भाई बोलेंगे कि भैया ये आपकी वाली गाड़ी से इसकी रोशनी कम है। भाई वो कम इसलिए है क्योंकि भाई मैंने जो लाइटें बनवाई हुई हैं मैंने वो कस्टम में बनवाई हुई हैं। तो मैं गाड़ी थोड़ी थोड़ी आपको चला के भी दिखा रहा हूँ। मैंने भाई जो लाइटें बनवाई हुई हैं वो कस्टम में बनवाई हुई हैं। ये लाइटें ताइवान वाली हैं। तो भाई ताइवान वाली चाहे जोन सी भी कंपनी की गाड़ियाँ लाइटें आती हैं, किसी भी गाड़ी की ले लो आप, चाहे स्विफ्ट की ले लो, ओल्ड स्विफ्ट की ले लो, क्योंकि स्विफ्ट ने ये एक ट्रेंड शुरू किया था ताइवान वाली लाइटों का, इसलिए नाम स्विफ्ट ले रहा हूँ। तो भाई उसकी लाइटें आप लोगों के सामने हैं कि जो आज भी जिसके पास में 2013 के बाद का मॉडल है स्विफ्ट का, और वो शायद 16-17 तक रहा है, नहीं आई गेस 18 तक रहा है वो मॉडल, 19 में नहीं आ गई थी। तो भाई जिसके पास भी वो वाला मॉडल रहा है स्विफ्ट का, उस बंदे की आज तक कंप्लेंट आई है, जिस अगर ताइवान वाली लाइट उसने लगवाई है गाड़ी में तो भाई उसको रिस्पॉन्स कभी भी अच्छा नहीं मिला। भाई मैं ये नहीं कहूँगा इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है ताइवान वाली लाइटों के हिसाब से, इसका रिस्पॉन्स एक्सीलेंट है। बट भाई कस्टम वाली लाइटों के हिसाब से मैं नहीं कहूंगा ये कंपटीशन है, क्योंकि भाई देखो उसके अंदर हम प्रोजेक्टर ही जब ऑटो की का डाल रहे हैं और इसके अंदर एलईडी है। एचआईडी और एलईडी का आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या रहता है, कैसा रहता है, दोनों में फर्क रहता है। बट भाई ये प्लग एंड प्ले है, इसमें कोई वायर कटिंग और कुछ नहीं हुआ, कोई ब्लास्टर नहीं है, ये आपकी गाड़ी की वो भी नहीं लेगी, बैटरी भी एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं करेगी। तो भाई ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इन चीज़ों के लिए। भाई मैं आप लोगों को एक बार और अंधेरी वाली जगह पर चल करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होगे रिस्पांस कैसा आ रहा है गाड़ी का। अभी मैं धीरे धीरे डिपर भी मार रहा हूँ। भाई मेरे को तो इस गाड़ी का रिस्पांस लाइटिंग का बहुत अच्छा लगा। बीम आप लोग देख रहे हो, इसके अंदर कोई सेटअप करने की कोई खज्जल नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि यार एचआईडी वगैरह के अंदर हमें प्रोजेक्टर सेट करना पड़ता है, ऊपर नीचे बीम सेट करनी पड़ती है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई अब देखो गली है जोन सी जिसके अंदर मैं गाड़ी टर्न ले रहा हूँ, इसमें अंधेरा ज्यादा है, तो भाई आपको जस्टिस लाइटों की काफी अच्छी हो पाएगी। तो भाई ये हाई बीम है, ये लो बीम है, ये हाई बीम है, ये लो बीम है। तो भाई आप लोग देख पा रहे हो कितना अच्छा रिस्पांस है इस लाइट का। तो भाई अगर किसी ने भी ये सेटअप कराना है लाइटों वाला, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और बाकी अब जो जितनी भी कॉस्टिंग वगैरह से रिलेटेड बात है वो हम चलते हैं हमारे सोमू भैया के पास। उससे पहले मैं एक बार आपको इस गाड़ी के ऑनर से मिलवाऊंगा जो हमारे साथ में है इस टाइम, और वो भैया बताएंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या चीज रही। तो चलते हैं एक बार भैया के पास और उनसे मिलते हैं। तो भाई हमारे भैया हमारे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे? भैया आपका नाम जान सकता हूँ? राकेश। तो राकेश भैया हैं भाई जिनकी एक गाड़ी है जो इस गाड़ी को ओन करते हैं।
भाई इस गाड़ी के अंदर सारा का सारा। भैया पहले तो ये बताओ आपको काम के एक्सपीरियंस से कैसा लगा हमारे से काम करा कर। भैया मेरे को तो सही बात बताऊँ तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। लाइटिंग वाइटिंग मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी मतलब परफेक्ट फिट आएगी या एंड्रॉयड का। आपको ज्यादा बढ़िया लाइटें लगी या एंड्रॉयड लगा? क्योंकि दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होंगी। हाँ सच्ची बात बताऊं तो मेरे को पहले एंड्रॉयड की बात करते हैं क्योंकि अंदर बैठे हैं। बिल्कुल। तो एंड्रॉयड में मुझे बेसिकली जो ऊपर वाली स्क्रीन थी वो मेरे को नीचे चाहिए थी क्योंकि मैंने कहीं देखा था किसी के उसमें कि वो नीचे आती है। तो और मैंने भैया से जाते सबसे पहले ये पूछा तो भैया ने मेरे को छूटते ये बोला कि भाई आपकी वो स्क्रीन नीचे लग जाएगी, आप बेफिक्र होकर बैठो। और मैं वही बैठ के देखता रहा और भैया ने एज इट इज वही काम करा जो मेरे को चाहिए था। तो भाई आप लोगों के सामने है ये सारी की सारी चीज। अब भैया बात करते हैं और एंड्रॉयड आपको ये हाइपरसोनिक कैसा लगा? हाइपरसोनिक मैंने मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने सर्च नहीं करा था, मैंने दो चार जगह सर्च करा और फिर मेरे को पता लगा एकॉर्ड के लिए हाइपरसोनिक ही बेस्ट है तो मैंने इसलिए हाइपरसोनिक चूज करा। एक्चुअली क्या है सारे के सारे जितने भी एंड्रॉयड आते हैं हर कोई एंड्रॉयड अकॉर्ड में प्रेफर नहीं करता, बट जो हमारे हाइपरसोनिक वाले भैया हैं आप सारे उनको जानते ही होंगे, उनका नाम मेरे को ढंग से ध्यान नहीं है, प्रिंस भी तो है। प्रिंस भी है, लो भैया ने सारा सर्च कर रखा उनके बारे में भी। तो भाई जो वो है वो हर गाड़ी के लिए एंड्रॉयड बनाते हैं, बट भाई हर एक कंपनी हर एक गाड़ी के लिए एंड्रॉयड नहीं बनाती, बट वो स्पेसिफिकली हर एक गाड़ी के लिए एंड्रॉयड बनाते हैं। तो भाई उनके पास में एंड्रॉयड मिल जाता तो हमने उनसे ले लिया और इस कार के अंदर लगवा दिया। तो भाई अब बाकी की बात करते हैं हम आगे लाइटिंग के सेटअप के बारे में। तो भैया मैंने आपको जैसा पहले भी उस टाइम भी समझाया था कि आप कस्टम लाइटों की तरफ जाओ, तो आप कस्टम की तरफ ना जाकर के इन्हीं लाइटों की तरफ क्यों गए, उसका क्या राज है? मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे को मेजरली कुछ हटके चाहिए था और जो जिस तरीके की डिस्प्ले है लाइट और जिस तरीके का मतलब ये मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत हाई लाइट्स है एज कम्पेयर टू आपकी जैसे कार मैंने देखी है और सारा, लेकिन मेरे को कुछ डिफरेंट चाहिए था मार्केट से। मुझे चाहिए था कि मेरी गाड़ी आए तो बंदा दो मिनट रुक के एक बार देखे कि हाँ यार कोई लाइट्स लगी हैं। बिल्कुल है भाई, ये वाली लाइट अकॉर्ड के अंदर अगर कोई भी देख रहा तो भाई वो बोलेगा कि भाई ये क्या है, कहाँ से लगवाई, कैसे लगवाई। तो भाई आप लोगों के सामने है ये सारी की सारी चीजें। अब एक बार आप लोग गाड़ी के शॉट्स एंजॉय करो लाइटिंग के साथ में, उसके बाद हम सोम भैया के पास कॉस्टिंग के लिए चलते हैं। कोरिया से वैसे हम इसको ऑन स्टॉक नहीं रखते, आप खुद जानते हैं भाई अकॉर्ड इतनी अब गाड़ी हर कोई नहीं रेडी करवाता। ऑन अगर आपको चाहिए या कितना दिन के अंदर अंदर लाइटें आ जाएंगी? ये आपका 25 से 30 दिन। तो भाई आप लोगों के सामने है इतना टाइम गाड़ी की लाइटें आने में लगता है, जिसको भाई चीज चाहिए उसको भाई ऐसी चाहिए यूनिक चाहिए। हाँ जिसको कस्टम बनवानी है कस्टम वाली भी हम कितने दिन में, दो दिन में तैयार कर देंगे? कस्टम वाली तो आपको दो दिन में मिल जाएगी। तो भाई कस्टम वाली हम दो दिन में तैयार कर देंगे, कर तो यार हम सेम डे भी देते हैं, बट एक वो रहता है कि दो दिन इसलिए बोल करके चलते हैं, फिनिशिंग और प्रॉपर जो बेटर फिनिशिंग मिल जाएगी, प्रॉपर काम रहेगा, फॉग लाइट वगैरह अंदर फॉग नहीं आएगी लाइटों का, कुछ नहीं होगा, उसकी भी हम लोग गारंटी लेते हैं। अच्छा भैया अब चलते हैं हम एंड्रॉइड की तरफ, जो हमने इसके अंदर वैसे तो कंपोनेंट भी लगवाया हमने इसके अंदर इन्फिनिटी प्राइमस सीरीज के, आप लोगों को आउटपुट में सुना चुका हूँ। अब यह एंड्रॉइड की तरफ चलते हैं, एंड्रॉइड का इसके अंदर सिर्फ हाइपरसोनिक की ही क्यों लगाया? इसमें एक बहुत बेस्ट पार्ट है जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्क्रीन दे रखी है गाड़ी में, वो हम नीचे इंस्टॉल कर देते हैं। तो भाई आप लोगों ने देख लिया जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने वो स्क्रीन नीचे इंस्टॉल करी है, भैया आपको वही चीज बता रहे हैं। और भाई ये चीज मत बोलना कि मास्क नहीं लगा रखा भैया ने, क्योंकि मैंने मास्क लगा रखा है, तो इस चीज को माइंड मत करना ज्यादा।
तो भैया स्क्रीन कौन सी थी हमारी, हाइपरसोनिक वाली स्क्रीन की या बॉस्टिंग वाली? ये आपकी 18,500 की। तो भाई ये है, अब मेरे बहुत सारे भाई बोलेंगे कि प्रिंस भैया इतने की दे रहे हैं, तो भाई वो वेंडर हैं, हम डीलर हैं, वो बना रहे हैं। अब जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ भाई, ग्रिल है, ग्रिल हम बना रहे हैं, यही ग्रिल आप कहीं और से बनाओ, जो रेट हम आपको ग्रिल का देते हैं वो और कोई नहीं दे सकता, गलत तो नहीं कह रहा भैया? बिल्कुल। तो भाई ये पूरा का पूरा फर्क आ जाता है ग्रिल के अंदर, हम वो वाला रेट नहीं दे सकते आपको। तो अब आगे चलते हैं भैया कंपोनेंट्स की तरफ, जो हमने प्राइमर सीरीज डाले हैं चारों दरवाजों के अंदर, उसकी क्या कॉस्टिंग है एक पेयर की बता दो? 4,800 का आपका एक पेयर है, विदाउट वारंटी अगर लेते हो तो आपको सस्ता पड़ जाता है 4,000 का। भाई आप लोगों के सामने है, हमारे पास में हर तरह का काम है, जो चीज जैसे चाहिए वैसे मिल जाएगी आपको। तो भाई इसी चीज को यहीं पे इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। इंस्टाग्राम पे अभी तक अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, हाई एंड वीडियो नीचे आपके पास में फ्लैश हो रहा है, और अगर ऐसा ही काम देखना डिस्क्रिप्शन में आपके पास में मेरा नंबर आ रहा है, नंबर मेरे व्हाट्सएप से भाई बोलेंगे चल नहीं रहा ड्यू टू एग्जाम्स है भाई, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैं भाई आपको सारा का सारा रिप्लाई करता हूँ जितने बंदे मेरे को फॉलो करते हैं। भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।